तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आपको, हाँ आपको, गूगल एड्स यूज भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिर्फ लोगों के कहने पे, मेरे कहने पे, या किसी और के नाम लेने से और बंदा यूज कर रहा है तो आपको भी करना है। ऐसा मत सोचो, हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। आप ये खुद डिसाइड करो कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ, कुछ एडवांटेज जो मुझे नजर आते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस जो मुझे नजर आते हैं। अब आपके लिए ये चीज, कुछ चीजें प्रोज भी हो सकती है, कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मुझे क्या चीज़ें खा सकती है और मुझे क्या चीज़ें खराब नजर आती है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों से जो लोगों के मन में डाउट है, और साथ ही साथ ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको मजबूर कर सकती है गूगल एड्स ना यूज़ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो आपको मजबूर करेंगे यूज करने के लिए। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग मुझे खुद से मैसेज करके पूछते हैं कि हम इतने रुपए लगा देंगे तो कितने सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1,00,000 रुपए लगा दूंगा तो इतने पहुंच जाएंगे, ऐसी चीजें पूछते हैं। तो मैं सिंपल से एक डाउट क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि अगर आप इतने रुपए लगाओगे तो आपको इतने मिल जाएंगे, इतने मिल जाएंगे, कुछ एग्जैक्ट नंबर नहीं पता लग सकता। पैसों से सब्सक्राइबर्स को मत जोड़ो, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। बस इतना लेके चलो कि आपका कंटेंट अच्छा होगा। जो गूगल एड्स है ये सिर्फ एक टूल है जिससे आप अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकते हो, ये सिर्फ एक मार्केटिंग का पार्ट है, बाकी कंटेंट क्रिएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको 50% तो कम से कम कंटेंट क्रिएशन पे देना चाहिए स्टार्टिंग से, बस इससे ज़्यादा देना चाहिए, 100% देना चाहिए अपना जितना दे सकते हो, बाकी कुछ परसेंट जो है वो मार्केटिंग में लगाओ, लेकिन कंटेंट पर भी इक्वली ध्यान दो। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ये बहुत से लोगों का डाउट रहता है यूज करने से पहले, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इससे चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, गूगल एड्स हमारे काम का है कि मैं इससे अपना चैनल मोनेटाइजेशन ऑन कर सकता हूँ, करवा सकता हूँ चैनल मोनेटाइज, 1000 सब्सक्राइबर्स और अपना 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किन किन जगह का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, कौन कौन सी जगह से जो वॉच टाइम आ रहा होगा वो काउंट नहीं होगा, जो गूगल बोलता है, यूट्यूब बोलता है। प्राइवेट वीडियोज का काउंट नहीं होगा, लिस्टेड वीडियोज का काउंट नहीं होगा, डिलीटेड वीडियोज का काउंट नहीं होगा और एड कैंपेन का काउंट नहीं होगा। इसके अलावा 2 जगह और वहां से भी काउंट नहीं होगा। तो हमें देखना है एड कैंपेन का मतलब गूगल एड्स का काउंट नहीं होने वाला है, ये सिंपल सी चीज है। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है जो मैं आगे आपको बताऊंगा इस कोर्स के अंदर, कैसे आप लोग यूज कर सकते हो गूगल एड्स को अपना चैनल मोनेटाइज कराने के लिए। आसान तरीका है, मुश्किल नहीं है, कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। क्या तरीका है आगे कोर्स में बताऊंगा। और अभी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपके काम में आ सकती है। वो एक छोटी सी चीज क्या है, फिलहाल मैं आजकल एक नया स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, OBS मैं बहुत टाइम से यूज करता आ रहा हूँ, फिलहाल के लिए मैं एक नया स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ जो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो काफी हेल्पफुल है क्रिएटर के लिए। कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर है, वो है हिटपॉ स्क्रीन रिकॉर्डर। तो हिटपॉ स्क्रीन रिकॉर्डर के अंदर सबसे ज्यादा खास फीचर जो मुझे नजर आता है, पिक्चर इन पिक्चर मोड। इस पर क्लिक किया मैंने और मैंने चूज किया कि मुझे कौन सी विंडो को रिकॉर्ड करना है, पर मैं इस विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ, इस विंडो पे क्लिक किया मैंने, अब ये पूरी विंडो इसने सेलेक्ट कर चुकी है, मुझे सिर्फ यही विंडो चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं रिकॉर्ड करनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। मैं स्टार्ट करूंगा, यहाँ पर सिंपल स्टार्ट हो जाएगा, इसको मिनिमाइज कर सकता हूँ और ये रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है हिटपॉ स्क्रीन रिकॉर्डर। और साइड में मैं यहाँ पर अगर मैंने वेबकैम कनेक्ट कर रखा होगा तो मैं राइट साइड में अपने आपको ले सकता हूँ, जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे, या लेफ्ट साइड में ले सकता हूँ, या फिर ऊपर या नीचे कहीं पर भी खुद को लगा सकता हूँ। मतलब मुझे बाद में एडिटिंग में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ये इजी टू यूज़ है और खासकर मुझ जैसों के लिए जो एक ट्यूटोरियल वीडियोस बनाते रहते हैं। तो इसको आप फ्री भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ लिमिटेशन रहेगी फ्री में, अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं आपको कूपन कोड बताया, तो कूपन कोड सिंपल है, 30% ऑफ चाहते हो तो ये सिंपली कूपन कोड लगा दो, YT30 ऑफ। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, कूपन कोड है, कर सकते हो यूज अगर करना चाहते हो। अब यहाँ पर बात करें तीसरे पॉइंट की, पैसों से रिलेटेड। अगर आप गूगल से पैसे ऐड करते हो तो मिनिमम आपको 500 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, भले चाहे आप कैंपेन 100 रुपीज, 200-300 रुपीज का रन करो, 500 से नीचे रन करो, लेकिन मिनिमम आप जब भी ऐड करते हो आपको 500 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 100-200-300 रुपये ऐड कर दिए, कहीं लोगों के पैसे आते हैं मैं 100 रुपये लगा लूँ, 300 रुपये लगा लूँ, ऐसे करके, तो ऐसे वर्क नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ प्रोमो कोड का भी मैं आपको इसी में बता देता हूँ। प्रोमो कोड में ये है, प्रोमो कोड कई लोग बोलते हैं कि मैं 2000 रुपये एक नए नए अकाउंट बनाता रहूँगा, 2000-2000 रुपीज़ के एड्स रन करता रहूँगा, लेकिन ये ऐसे काम नहीं कर सकता। आपको 2000 रुपये का एड क्रेडिट तभी मिलेगा जब आप 2000 रुपये अपनी जेब से लगाओगे और
एड रन करोगे उसका। उसके बाद जब आप एड रन कर लोगे तो कुछ टाइम बाद जाके आपको गूगल एड्स है जो वो आपके उसी अकाउंट में 2000 रुपये और एड क्रेडिट दे देगा, जिसका आप सिर्फ एड रन कर सकते हो, उसको वापस आप अपने बैंक अकाउंट में या फिर किसी और तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ एड्स में यूज़ कर सकते हो। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो कुछ लोगों के डाउट रहे होंगे जो हमने क्लियर कर दिया, और कुछ ऐसे लोगों के लिए रीज़न भी बन सकते हैं जिनकी वजह से गूगल एड्स यूज़ नहीं करने वाला। आप कुछ पॉजिटिव साइड की बातें कर लेते हैं, फायदे देख लेते हैं गूगल एड्स के, खासकर जो क्या है ज्यादातर लोगों के लिए, मेरे लिए जो फायदे रहे हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, आप उन लोगों तक पहुंच सकते हो एड्स के थ्रू जिन तक आप पहुंचना चाहते हो, जो आपकी सही ऑडियंस है उन तक पहुंच सकते हो अगर आप सही तरीके से टारगेटिंग करते हो, उन लोगों तक पहुंच सकते हो, ट्रैफिक ले सकते हो बहुत सारा। बाकी आप पर डिपेंड करते हैं, आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है कि वो आपकी ऑडियंस बन पाएगी। ट्रू ऑडियंस जो होते हैं ना, फैन बोल सकते हैं, तरीके से फैमिली या बोल सकते हैं, वो आपके कंटेंट पर डिपेंड करता है, वो आपसे जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन ट्रैफिक आपको बहुत मिलने वाला है गूगल एड्स से। और दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़, ज़्यादातर लोग ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते गूगल एड्स को। गूगल एड्स में एक और फ़ायदा है, अगर आप पैसा लगा रहे गूगल एड्स पे, आपने 10,000 रुपीज़ भी लगाए ना एक वीडियो पर, तो मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ, ये चीज़ मैंने बहुत बार देखी है, 10,000 रुपये लगा रहे हो तो उसी टाइम उसी वीडियो से आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी निकाल सकते हो। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, 10,000 आपने लगाए तो आप 5 से 10,000 तो ईजिली कहीं नहीं गए, आपके उसी वीडियो से कमा भी सकते हो। कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद आने वाली वीडियो। और तीसरी और एक खास चीज़ जो मुझे नज़र आती है गूगल एड्स को लेकर, वो ये है गूगल एड्स इजी टू यूज़ है। अगर आपको एक तरीके से एक बार यूज़ करना आ गया, कुछ बेसिक चीज़ें पता चल गई, तो आप यूज़ कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये चीज़। दूसरी चीज़, गूगल एड्स में आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब 500 रुपये तो होते हैं ज़्यादातर लोगों पर, और उससे वो स्टार्ट कर सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं कि ये 500 रुपये से मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। मतलब रिटर्न 500 रुपये का भी ले सकते हो आप, ऐसे नहीं आपको ज़्यादा पैसे लगाएंगे तभी आपको रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो। तो ये तो थी कुछ चीज़ें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो गूगल एड्स के हैं जो मेरी नज़र में। अब अगर बात करें एट द एंड कि आपको करना चाहिए यूज़ या नहीं करना चाहिए, अगर अभी भी आपको आंसर चाहिए इस चीज़ का, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर लेकिन अगर आप सिर्फ इसको सोच रहे हो कि मैं वॉच टाइम इंक्रीज कर लूँ, मोनेटाइज कर लूँ अपना चैनल, तो इसके लिए मत करो, लॉन्ग टाइम का सोचो, लॉन्ग टर्म का सोचो, मतलब आगे। ये गूगल एड्स में बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, इससे आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग समझ चुके हो गूगल एड्स आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा करो भाई, अच्छे से करो, लेकिन पहले समझ लो फिर करो। तो अगली वीडियो मिलेंगे, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए टाटा।